हेलो फ्रेंड्स, तो डिलीशियस किचन फॉरएवर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बादाम मिल्क की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही टेस्टी, तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बादाम मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है। ये देखिए, ये 750 ml है और 15 बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था और इसे अच्छे से साफ़ करके इसके छिलके हटा लिए हैं। अब इसे हम मिक्सर जार में ऐड कर देंगे और 2 चम्मच दूध भी इसमें ऐड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिया है, इसमें दूध ऐड कर दूंगी और इसे अब हम गैस पे रख देंगे गर्म होने के लिए और इसे रिड्यूस करके हम आधा कर लेंगे, तो इसकी एक अच्छी सी गाढ़ी वाली कंसिस्टेंसी हो जाए उतना उबालना है। तो अब मैंने पैन को गैस पे रख दिया है, अब दूध को बॉईल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूध उबलने लग गया है और मलाई आने लग गई है। इसी तरह से हम इसे उबालते जाएंगे और आधा सूखने तक इसे उबालेंगे। गाढ़ा करना है इसे हमें। ये देखिए, और साइड से भी जो मलाई आ रही है उसे स्क्रैच करके इसी में मिला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध की क्वांटिटी हाफ हो गई है, बहुत अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे शुगर। तो शुगर हमें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, इस चम्मच से मैंने 5 चम्मच ऐड किया है। और ये बादाम, ये देखिए मैंने पीस लिया है, इसे भी यहाँ पे डाल देंगे। बादाम डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक छोटी इलायची कूट कर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाए। और ये देखिए, बादाम वाली मिल्क बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे गैस ऑफ कर देंगे और इसे फ्रीज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए। तो ठंडा ठंडा पीने में ही इसका असली मज़ा है, तो इसे मैं फ्रीज में रखने जा रही हूँ, उसके बाद आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमारी बादाम मिल्क बिल्कुल चिल्ड हो गई है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पॉट लिए हैं और इसे हम फिल कर देंगे। देखिए कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, एकदम गाढ़ी सी, बिल्कुल मार्केट में जैसी मिलती है वैसे ही बनाने की कोशिश मैंने की है, पर मुझे लगता है ये मार्केट से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इसे फिल करने के बाद हम ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे बादाम और पिस्ते से। ये ऑप्शनल है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बादाम मिल्क बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल चिल्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये बादाम मिल्क की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगली वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।